नमस्ते सलाम राम राम और सारेनु मेरा सत श्री अकाल। कसा काय पब्लिक और क्या हाल है दोस्तों, बढ़िया सब फर्स्ट क्लास मजे में। और भाई आज हमारा आज का प्लान ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं उधर डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जहां हमने भाई थोड़े दिन पहले इवेंट किया था ना, तो वहां भाई अपने सब थोड़ा बैंक डिटेल और ये सब जरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है भाई। इतना काम के मेहनत के थोड़ा चाहिए कि नहीं, तो वही सब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे अपना बैंक डिटेल ये सब। फिर वो सब सबमिट करने बाद उधर से अपना पैसा आएगा एक वीक के अंदर, तो बस वहीं जा रहे अभी सब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उसके बाद का प्लान देखते क्या है। उसके पास अपना प्लान ये है कि वहाँ से नियर बाई इस्कॉन टेम्पल है भाई, एकदम बढ़िया अच्छा मस्त फर्स्ट क्लास, यहाँ पर बहुत मस्त है, वो हाइट पे भी है काफ़ी। तो मैं सोचा वहाँ का प्लान बनाता हूँ, तो मैं देखता अगर वहाँ से जल्दी फ्री हो गया तो फिर हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे घूमने और आप लोग को भी घुमाएंगे और दिखाएंगे कि कितना मस्त है वो। अब पहले अपने यहाँ घर के पास में पीछे एक शॉप है प्रिंट, वहाँ चेक कर लेते हैं, वहाँ मिलता है तो अगर यहाँ ही मिल गया तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि पास में ही है। अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ा घर से दूर है वहाँ पर है, तो वहाँ जाके देखते मिलता तो फिर मिलते। ये जो अपने पीछे अपने घर के पास शॉप थी इसके पास तो प्रिंट नहीं चल रहा है, और मुझे थोड़ा कलर प्रिंट भी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी डॉक्यूमेंट सब निकालना है, तो उनके पास तो अभी है नहीं। तो अभी चलते ज़रा अपने घर के थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके चेक करते भाई, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट में चाहिए तो वहाँ जाके ढूंढते हैं, वहाँ होता है तो फिर वहीं से डॉक्यूमेंट लेकर सीधा मेट्रो पकड़ के निकल लेंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि भाई ये मेरे दोस्त का होटल है ये, तो इनके पास प्रिंटर है, थोड़ा दिमाग चला मेरा, चल भाई जाके प्रिंट निकाल लेता हूँ, थोड़ा ये हेल्प कर दे मेरे को। और ये सब बैठे भाई, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक, बढ़िया। हेलो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आराम 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 कर रहे हैं, आराम चल रहा है। अभी देखो महाराज जी ये भाई करते करते यहाँ के सब। हेलो, चलो मिलते थोड़ा भाई इनसे वार्तालाप करके, बात करके फिर मिलते आप लोग भाई। अपना डॉक्यूमेंट का काम हो गया है, अपना वो डॉक्यूमेंट का काम हो गया, भाई साहब ने दे दिया अपने को प्रिंट निकाल के, बस अभी बचे पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालने अपने को, बस काम बचा, फिर निकलेगा आगे अपना उधर ऑफिस के लिए और बढ़ेगी। थैंक यू भैया, काम आ जाते भाई। अभी यहाँ से कितने जब से ढूंढ रहा हूँ प्रिंटर की दुकान ही नहीं मिल रही है, अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालने के लिए ढूंढना पड़ेगा मेरे को, एक अलग वो टास्क है, फिर उसके बाद वो निपटा के फिर बढ़ेगा आगे। चलो मिलते, थैंक यू। तो ये भाई हमारे दोस्त है पृथ्वीराज, इनका ही होटल है ये, ग्लोबल स्टे बैंगलोर में, नियर बाय ग्लोबल विलेज। तो आप लोग कभी भी आओगे, मतलब किसको भी अच्छा अच्छे रूम और सस्ते रूम चाहिए, तो मैं इनका हम वीडियो के नीचे भी नाम डाल दूँगा होटल का नाम, और सब आप आके इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है तो आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको। रूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छा है, वाईफाई भी मिलेगा आपको, और आसपास में खाने के लिए भी सब है फैसिलिटीज़। आप भी कुछ बताओ जरा, आपको हमारा विजिटिंग कार्ड का डिटेल पूरा डाल दो। हाँ मैं आपका इसका विजिटिंग कार्ड का मतलब नीचे होटल का डिटेल सब डाल दूँगा, नंबर भी डाल दूँगा उनका, तो जिसको भी अच्छे रूम से ही रहेगा सस्ते में आप आ सकते हो इधर, होटल भी काफ़ी अच्छा है। आप तो कितना, आप तो 2 महीने रहते ना? 2 महीने इधर ही रहे, 2 महीने रहते फिर इनके साथ अच्छा बॉन्डिंग हो गया, मतलब एकदम मस्त दोस्त बन गए, तो अभी भी हम आते रहते मिलते रहते सर। अभी इन्होंने एक और होटल चालू किया, वो कहाँ चालू किया? उत्तराली, वो मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं कभी, कभी जाऊँगा इनके साथ तो विजिट करूँगा, तो आप लोग को भी दिखा देगा भाई, बढ़िया लोग है, होटल भी टल के चलाते हैं लोग। लोकेशन सब डाल दो ना? हाँ लोकेशन डाल देता हूँ मैं, नाम भी डाल देता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, तो अच्छा ना, कोई नए लोग आते रहे बेचारे जो शिफ्ट होते हमारे जैसे ढूंढते सस्ते में, क्योंकि हमको बहुत तकलीफ हुआ था, कभी पीजी में कभी महंगे होटल मिल रहे थे 2.5-3 हज़ार में। आपके होटल का प्राइस बता दो क्या है? डबल का 1600 है, इसका रेफरेंस कोई आएगा तो 1400 में दिएगा। देखा सीधा ये भी है भाई, डिस्काउंट मेरे नाम से भी आओगे, मेरा नाम लेके अपने यूट्यूब चैनल का नाम लेते ना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ये है भाई। चलो कोई नहीं, अपने कोई वीडियो देख के किसी की हेल्प हो जाए, किसी को अच्छा बने तो ठीक है ना, तो मिलते थोड़ी देर में, बने रहिए। तो भाई अभी जाके अपना वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए गया था, तो उन्होंने बोला अभी आधा घंटा लगेगा, मतलब 15-20 मिनट लगेगा, तो आप जब तक दे दो और थोड़ा जाके घूम के आ जाओ। तो फिर मैंने मेरी वाइफ को कॉल किया, मैंने यार चल आ जा, लंच कर लेते, लंच टाइम हो ही गया है,
मैंने जब तक मैं लंच करेगा वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपने रेडी हो जाएगी, तो अभी आ रही हो नीचे, तो जब तक हम लंच करेंगे अपना फ़ोटो का भी काम हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा, फिर लंच करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके निकल लेगी अपना आगे के लिए। तो चलो आ रही हो थोड़ी देर में मिलते लंच करते, थोड़ी देर बाद मिलते आप लोगों को। अभी मैडम आ गए, अभी हम जा रहे हैं लंच करने। टेंशन ही तो तू तो टेंशन में रहते हैं, मैं छोड़ो उसका कुछ। तो अभी जाते भाई खाना खाते, वो ऐसे सुबह भी आज ब्रेकफास्ट नहीं किया ये सब घूमना डॉक्यूमेंट के चक्कर में। तो अभी आज जा रहे थे क्या राजस्थानी खाली खाने, राजस्थानी थाली खाने भाई ऐसा। हाँ तो यहाँ पास में ही है, मतलब सब पास में ही, यहाँ पर बस जो चाहिए रहता वो पास में नहीं मिलता इधर, डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में देखो कितना टाइम। तो जाते भाई राजस्थानी खाली खाते आज, और आपको भी दिखाते कितना है। 150 रुपये की मिलती है, बहुत कुछ आइटम रहता है उसमें, तो आज खाते हो थोड़ी देर में और दिखाते आप लोग को, बने रही भाई। दोस्तों ये देखो ये पहुंच गए हम राजस्थानी थाली के पास, तो अभी मैं इसको बैग के अंदर से आप लोगों को दिखा दे इसमें क्या क्या मेन्यू है। देखो भाई ये है राजस्थानी थाली और ये है इनका मेन्यू। वापस ले लेते ना। और ये भाई साहब है अपने राजस्थान साइड के, बहुत ही टेस्टी खाना है भाई इनका। आज क्या क्या है थाली में? थाली में आज पनीर की सब्जी है, राजमा है, आलू गोभी है, दाल चावल रोटी मिस्सी रोटी रायता देसी घी वाली रोटी लहसुन की चटनी। क्या बात है, इतना वैरायटी से भाई और क्या चाहिए पूरा एकदम। जब मैंने पहले खाया है यहाँ पर भाई, जब यहाँ भी खाते हैं थाली दिखा के आ जाओ और घर के खाने की याद आ जाती है भाई। ये देखो कैसा बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरे इनका किचन सेटअप है, ये पूरा ऐसा ही है। ऐसे बनाया पूरा इन्होंने, काफ़ी अच्छा एकदम मस्त सेटअप किया है, और खाने की वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा है और अच्छी है, टेस्टी भी है। ये पूरा सब देखो एकदम नीट एंड क्लीन। और भाई साहब कुछ बताइए आज क्या क्या है खाने में, क्या क्या है जी? आलू गोभी सूखा सब्जी में, ड्राई में ये पनीर मसाला है, ये राजमा है। ओके क्या बात है, ये बेसन गट्टा राजस्थानी सब्जी। अच्छा गट्टे का ये बाटी है, दाल, ये सब एक थाली में आ जाता है पूरा। राजस्थान की थाली लेगी स्पेशल, उसका प्राइस कितना है? 49 थाली में पूरा आ जाता है बस। और क्या चाहिए? सिंगल बाकी सब लिमिटेड रहेगा पर थाली। क्या बात है, चलो बढ़िया है। तो इतना सब वैरायटी सिर्फ आपको 149 रुपीस में, देखो कितना, वो भी अनलिमिटेड खाने मिलता है। तो हमने तो खाया पहले, तो अभी जा रहे हैं, अभी हम भी खा लेते हैं भाई, पेट पूजा कर लेते, थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, मिलते हैं आप लोगों को खाने के बाद। तो कभी भी आप लोग यहाँ पर आओगे, ये ग्लोबल विलेज टेक पार्क के पास में राजस्थानी थाली, तो आप आके यहाँ पर खा सकते हो, एकदम घर के खाना है जैसा टेस्ट है, एकदम मस्त। तो आके और एकदम मस्त मजा आता है, एकदम टेस्टी एकदम। तो आप आके अभी ट्राई कीजिए, आप लोग को 100% अच्छा लगेगा। तो चलो भाई हम लोग भी खा लेते हैं, मिलते थोड़ी देर बाद आप लोग खाने के बाद। सर मेरा कोई चैनल यूट्यूब चैनल से आएगा उसको डिस्काउंट दे देना ज़रा आपके हिसाब से, है ना? आप बोल दीजिए सर भाई, अभी मेरे साइड से कोई आएगा मतलब यूट्यूब चैनल का, मैं इनका डाल दूंगा राजस्थानी थाली का ऐसा लिंक भी नाम सब, और जो भी मेरी साइड से आएगा तो भी कोई भी आ जाए भाई अपनी तरफ से डिस्काउंट मिल जाएगा तो ठीक है। चैनल में जब बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे करो, थैंक यू। गति जहाँ हमने पासपोर्ट साइज फोटो दिए थे अपने निकाल, देखो हो गया क्या, देखता हूँ अपना हो गया पासपोर्ट साइज फोटो का काम। बस अभी इसको ड्रॉप करके ऑफिस, अभी मैं बढ़ूँगा यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधा उनके वहाँ ऑफिस, तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में, जब तक बने रहिए भाई। दोस्तों अभी हम लोग ने एक जुगाड़ लगाया, एक्चुअली यहाँ जो मेट्रो स्टेशन के नीचे पार्किंग था वो फुल था, तो उसका फुल होने के बाद भाई यहाँ पास में बहुत बड़ा कॉलेज आरबी कॉलेज, तो उसके अंदर एक कोटक बैंक है, तो ऐसे लोग एंट्री देते नहीं है। तो फिर मैंने इनको बोला भाई मैं बैंक में जा रहा हूँ, मैंने वहाँ अपना बाइक पार्क कर दी और मैं आ गया, फिर चल गया मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो आप जा रहे थे मेट्रो में। तो भाई इससे दो फायदे हो गए, एक तो अपने पार्किंग के पैसे भी बच गए, यहाँ अगर पार्क करता जब मेट्रो की पार्किंग में यहाँ पार्क करता तो 30 रुपये, अभी वहाँ फ्री में पार्क हो गई, और सेफ्टी भी है यहाँ इतना कुछ साथ सेफ्टी नहीं रही। तो बस पहुँच गया मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पकड़ के और जाते थे जल्द जल्दी फटाफट काम निपटा रहे डॉक्यूमेंट का, फिर आप लोग को इस्कॉन टेम्पल भी तो घुमाना है,
वैसे अभी बज रहे तो इस्कॉन टेम्पल बंद हो गया रहेगा, 4 बजे खुलता है तो थोड़ा पनीर आप लोग इस्कॉन टेम्पल घुमाएगा। अच्छी मेट्रो बस जाते हैं अंदर बैठते और पहुँचते अपने लोकेशन पे भाई, फिर डिटेल में आपसे बात करेगी। भाई अपने को जाना है यहाँ से अभी कब्बन पार्क, जो अपना लोकेशन है कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन, वहाँ से उतर के फिर 10 मिनट चल के लेगा ऑफिस। तो ये देखते हुए पीछे का नज़ारा, तो अभी कब्बन पार्क उतर के बात करेगा डायरेक्ट आपसे, फिर बताएगा आपको कहाँ से कैसे कैसे जाना है और क्या प्लान है आगे का। तो भाई दोस्तों पहुँच गए मेट्रो स्टेशन के बाहर, ये रहा पीछे मेट्रो स्टेशन जो कि कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन है ये, और ये पीछे कब्बन पार्क है पूरा ही मेरे पीछे, जिसकी वजह से मतलब पूरा इस मेट्रो स्टेशन का हम कब्बन पार्क है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ से अभी अपने को 10 मिनट चल के जाना है, 950 मीटर की दूरी पर है वो ऑफिस जहाँ अपने को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो भाई ये डिटेल में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन ये पर्पल लाइन पर पड़ता है और मैं भी पर्पल लाइन पर रहता हूँ। तो यहाँ बेंगलोर में 2 मेट्रो चलती है, मतलब पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, जो कि केंगेरी से बाया पन्नाली और दूसरा है नागा संद्रा से लेकर सिल्क इंस्टीट्यूट। तो ये है और किसका बीच का जो मतलब है, अगर हमें मेट्रो चेंज करनी है मतलब पर्पल से मेट्रो पर्पल से ग्रीन और ग्रीन से पर्पल पे आना है, तो उसके बीच का स्टेशन है मैजेस्टिक स्टेशन। जैसा आपने यहाँ पूर्णा दिल्ली में राजीव चौक हो गया ना वैसा है, मतलब यहाँ से मतलब ट्रेन चेंज करके आप दूसरी तरफ जा सकते हो। और जो एम जी रोड है और क्या बोलते हैं अपना विधानसभा है जो यहाँ पर, और अपना क्या बोलते हैं एक और है मतलब KSR स्टेशन, मतलब जो मतलब जहाँ से गांव हुई है सबके लिए मतलब स्टेशन ट्रेन जाती है, ये पर्पल लाइन पर पड़ता है। और जो अभी यहाँ पर से मतलब जहाँ इस्कॉन टेम्पल के लिए जाने वाले और जो ओरियन मॉल है वो ग्रीन लाइन पर पड़ता है, तो उसके लिए हमें मैजेस्टिक उतर के मैजेस्टिक से ग्रीन लाइन पर जाके ट्रेन पकड़ के फिर अपने को सिल्क इंस्टीट्यूट और एक अपना सॉप एंड सैंडल करके मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से फिर चल के ओरियन मॉल आता है और वहीं से 5 मिनट चल के अपना इस्कॉन टेम्पल आता है भाई। तो ये सब है मतलब, तो ये ध्यान में रखिएगा अगर आपको कहीं जाना तो आप पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के स्टेशन चेक कर लेना, उस हिसाब से फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। और मेरे यहाँ से लेके जहाँ मैं उतरा अभी कब्बन पार्क, यहाँ मेरे को मतलब 45 मिनट्स लग गया भाई, बहुत दूर है मतलब ये 30-35 किलोमीटर्स के आसपास है। और इसका मेट्रो फेयर होता है 50 रुपये एक साइड का, अगर आपका आपके पास अगर मेट्रो पास है तो उसका कुछ समथिंग कम लग जाता है, मतलब 40-45 रुपये के आसपास, तो वही है भाई ये, इसलिए मैंने आपको फेयर भी बता दिया कि मतलब फेयर भी ठीक है, मतलब इतना दूर नहीं यार, अपना मेट्रो में AC में बैठ के आओगे घूमोगे तो ठीक है, ज़्यादा फेयर नहीं है मतलब भाड़ा ज़्यादा नहीं है, सही है। और अपना आराम से बैठ के ज़्यादा थोड़ा ऑफिस वर्किंग आवर्स के टाइम जाओगे सुबह और थोड़ा शाम को तो भीड़ रहती है, नहीं तो दोपहर में तो खाली रहता है यार। तो कुछ नहीं यार, फटाफट अभी चलते जरा ऑफिस में, उधर जाते डॉक्यूमेंट सबमिट करते वो काम निपटाते और उसके बाद भाई आपको इस्कॉन टेम्पल भी तो घुमाना है, तो इसलिए फटाफट काम खत्म करके फिर मिलते आप लोगों को थोड़ी देर में। जब तक जुड़े रहिए भाई, बने रहिए और ये कब्बन पार्क एंजॉय करिए भाई। ये देखो मेरे पीछे पूरा ये कब्बन पार्क, ये बहुत बड़ा है भाई, ये 350 स्क्वायर फीट मतलब उस दिन उन्होंने अंकल ने बताया इतना बड़ा है ये मतलब, और सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है। और यहीं से पास में विधानसभा भी है, तो मैं कभी गया नहीं विधानसभा, कभी मौका मिला या कभी प्लान बनाया, विधानसभा बोलते बहुत अच्छा बनाया, एक बार देखना चाहिए, तो जाके एक बार घूम के आएगी और आप लोग को भी घुमाएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में भाई, काम निपटा के आपको। तो दोस्तों अपना भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट का काम तो ख़त्म हो गया पूरा, अपन ने सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, इधर से तो अपन फ्री हो गए। तो अभी कोई नेक्स्ट इवेंट आएगा तो भाई उसमें जाएंगे, वो इवेंट करेगा और आप लोग को अच्छे से डिटेल में बताएगा पूरा एक इवेंट कैसे होता है, कितना टाइम लगता है और उसका एक्सपीरियंस कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ताकि मतलब जो इवेंट लाइन में आना चाहते या कुछ काम करना चाहते इवेंट में भाई उनको थोड़ा नॉलेज मिले अपनी साइड से। तो अगली बार थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कुछ, कभी नेक्स्ट इवेंट पे किसी पे जाएगी तो।
बाकी का अभी तो प्लान तो ऐसा है कि भाई अभी यहाँ से इस्कॉन टेम्पल जाना है। इस्कॉन टेम्पल अभी तो फिलहाल बंद रहेगा, 3 बज रहे हैं, 4 बजे या समथिंग 5 बजे के आसपास ओपन होता है वो। तो अपने को अभी यहाँ से निकलते, देखते कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ से मैं चेक कर लेता पहले कि यहाँ से मेरे यहाँ से तो 1 घंटा मतलब लगता है वहाँ से भी, क्योंकि वो ग्रीन लाइन पे पर्पल लाइन से उतर के मुझे चेंज करके जाना पड़ता है, तो 1 घंटा लग जाता है। तो अभी यहाँ से चेक करता हूँ यहाँ से कितना टाइम लगेगा, फिर आप लोगों को बताता हूँ। अगर पास में रहा तो मैं बाय ऑटो चला जाऊँगा रैपिडो बुक करके, अगर दूर रहा तो फिर वही यहाँ से मेट्रो, फिर वहाँ से मेट्रो से मैजेस्टिक, मैजेस्टिक से फिर सोप एंड सैंडल। तो अभी कितना दूर है भाई, तो ऐसे ही प्लान करते हैं जैसा हिसाब बनता है आप लोगों को बताते हैं। तो बने रहिए, इस्कॉन टेम्पल घूमने के लिए रेडी हो जाइए, घुमाएंगे जरूर आज आपको।